मानसी मानसी उठ जा बेटा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी, चल उठ जा। बाय बेटा। सो देन लॉर्ड गणेशा टोल्ड द मून दैट यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड योर ब्राइट लाइट, सो यू विल रिड्यूस इन साइज एवरी डे फॉर 14 डेज। हुआ, होमवर्क नहीं किया और खेल रही हो? क्या मम्मी, और कितना होमवर्क करूं, थोड़ा सा खेलूं भी नहीं क्या मैं? तुम बहुत देर से खेल रही हो, समझ गई ना? चलो अब पढ़ाई करो। मुझे नहीं करना मम्मी। अभी बताती हूँ तुमको। बहुत हुआ मानसी, प्लीज। आपको बस मैं ही मिलती हूँ गुस्सा करने के लिए, बाकी किसी के सामने आप गुस्सा क्यों नहीं दिखाती हो मम्मी? और किस पर गुस्सा करूँ, कौन है यहाँ जिस पर गुस्सा करूँ? चलो जाकर होमवर्क करो। पापा हमारे साथ नहीं है ना, इसीलिए मैंने ये ड्राइंग बनाई है। सॉरी मम्मी। ठीक है चलो अब सो जाओ। मम्मी नींद नहीं आ रही है, कहानी सुनाओ ना। कौन सी कहानी सुनाऊं तुम्हें? हाँ, अमावस की अंधेरी रात में एक भूत आता है। नहीं मम्मी, भूत वाली नहीं, मुझे डर लगता है। ठीक है, बंदर वाली कहानी सुनाती हूँ। नहीं मम्मी, बंदर की भी नहीं, बहुत बोरिंग होती है, कुछ और सुनाओ ना। नहीं, अपनी कहानी सुनाओ। मेरी कहानी, उसमें क्या है मम्मी? सुनो बताती हूँ। तुम्हारे जैसी प्यारी सी बच्ची के एक नाना जी होते हैं। नाना जी की भी एक बेटी होती है जिसे कबड्डी गेम बहुत पसंद होती है। एक दिन की बात है, कॉलेज कॉम्पिटिशन में किया सर। सर झूठ बोल रहे हैं सर। अबे बकवास मत कर। ए फालतू की बंकर मत कर। अबे तेरी तो दोबारा कोई ऐसी गलती नहीं करेगा, वादा करो। अब उनकी गलती नहीं सर, पहले गलती इसकी है। सर गलती मेरी नहीं है, गलती इसकी है। चलो वादा करो।
वादा करो कि अब दोबारा गलती नहीं होगी और जो गलती की उसे भुला दो, समझ गए? अरे मैच हार गए ना अपन लोग, तेरे को खींचना चाहिए था ना उसको अंदर की तरफ। अरे यार कैसे चढ़ा रहे हैं अपन को, जीत गए हम। ए मल्लेश, ज्यादा शाड़ पत्ती मत निकाल, तेरे को देख लेगा मैं। चल निकाल। अपना कॉलेज जीता है तो अलग ही खुशी होती है ना? ए पागल हो गई है क्या, क्या हुआ है तुझे? वैसे भी 3 साल बाद जो खेल खेलने वाले वो ये खेल नहीं है, पति के साथ फुटबॉल खेलेंगे, उसी में तो है असली मजा। अरे डिग्री खत्म होने के बाद क्या हमारा काम सिर्फ शादी करना ही रह गया है? इतनी पढ़ाई क्या सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए की? हमें पहले एक अच्छी सी जॉब करनी है। आजकल तो वैसे भी लड़के और लड़कियों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। और वैसे भी शादी के बाद अपने हस्बैंड पर थोड़ी ना डिपेंड करना है, खुद अपनी रिस्पांसिबिलिटी लेनी है। मुझे कोई प्रपोज करता है तो मैं तो साफ कह देती हूँ, मैं जॉब करूंगी और अपनी जरूरतें खुद पूरी करूंगी। अरे तू तो झांसी की रानी की तरह बातें करने लग गई, तेरी बातें कभी खत्म नहीं होंगी माँ। चलो। वो मल्लेश इतना नाराज क्यों हो रहा है? हमने गलत क्या किया? अरे कुछ गलत किया हो तो बताना यार। नहीं यार, तूने जो किया वो बिल्कुल सही था, फिर भी जबरदस्ती झगड़ा बढ़ाएगा तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है भाई। ये देखना। अरे हमारी टीम कबड्डी का मैच मल्लेश की वजह से जीत पाई है। नहीं यार, इसने भी बुरा नहीं खेला था। देख रही है? हाँ हाँ देख रही हूँ। तुम्हारा गेम देखा था, बहुत अच्छा खेलते हो। लगता है ये गई काम से, मुझे तो पहले से ही शक था। ये भाई सुन ना, वो जो लड़कियां जा रही हैं कॉलेज में नहीं आई हैं क्या? मुझे क्या पता भाई, ऐसे पूछ रहे हो जैसे मुझे सब मालूम है। चल पता लगाते हैं ना। चलो।